तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ रॉकस्टार और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज जो रॉकी एंड आरडीएक्स की स्क्रीम से उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल गया है कि नेपाल की टीम यानी कि एनएक्सटी ई स्पोर्ट्स पहली नेपाल की टीम बनी जो वो उस टूर्नामेंट को जीती है नेपाल की तरफ से। इसी चीज़ को लेकर हमारे रॉकी भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करी थी और पूरा एनएक्सटी ई स्पोर्ट्स विद टू बी गेमर का इंटरव्यू लिया था। तो वो इंटरव्यू तो आपको मैं स्टार्टिंग में दिखाऊंगा, बट पहले आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ उन्होंने बोला क्या। उन्होंने पहली बात ये बोली कि जो ट्राई सीरीज अगला होने वाला है उसमें नेपाल की तरफ से नेपाल भी परफॉर्म करने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ है और अच्छा लग रहा है नेपाल में ई स्पोर्ट्स के ग्रोथ को इतना इंपॉर्टेंस देते हुए देख के, क्योंकि अभी FFIC में स्काईलॉर्ड गेमिंग और टीम T2K को भी हम देख ही रहे हैं। उसी के साथ साथ अब ट्राई सीरीज में भी नेपाल की टीम आने वाली है। और इसके साथ ही साथ जो सेकेंड अनाउंसमेंट हुई थी वो हुई थी मीना सर्वर की तरफ से, कि मीना सर्वर के ने चैलेंज किया यहाँ पर कि हमारे सर्वर यानी कि इंडियन सर्वर के टीम्स को। तो फिर हमारे रॉकी भाई ने ये बोला था कि अगर आप चाहो तो आप अपनी टीम लेके जा सकते हो उनसे कम्पीट करने, और टू बी गेमर ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो देखते हैं गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसे देखने में और बहुत खुशी भी मिलती है हमारे नेपाल की टीम्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलते हुए देख के। तो चलिए अब आपको इंटरव्यू दिखा दे रहा हूँ रॉकी मामू और हमारे NXT के ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और टू बी गेमर के साथ वाला। अरे बढ़िया बढ़िया सर, वीडियो ऑन कर सकते हो? नहीं, मैं सब लोग मतलब प्रपोज करने लग जाएंगे ना, तो ये दिक्कत है। अरे कोई बात नहीं, प्रपोज से कितना भी करे भाभी तो मिकाशा ही होगी। नहीं, ये यू वाला बात नहीं। ओके खत्म। ओके, ओ माय गॉड, टूबी भाई ओपी बोलते, कोई बात नहीं। ओ भाई एनीवेज टूई भाई, सबसे पहले तो ढेरों बधाइयां। ये ना सिर्फ मेरे हिसाब से NXT की, टू बी गेमर की, बट पूरी नेपाल की जीत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां। और ये तो वो भी है ना, लाइक नेपाल का फर्स्ट शायद होगा जी, पहला टूर्नामेंट विजय है, फर्स्ट एवर नेपाली टीम टू विन दिस थिंग। एंड इसके अलावा टूबी भाई, इससे पहले इंटरव्यू शुरू करूं मैं एक और गुड न्यूज देना चाहता हूं गाइस। जैसा कि मैंने अनाउंस किया है कि इंडिया वर्सेस मीना सर्वर में नेपाल और इंडिया दोनों की टीम्स खेलेंगी। टूबी भाई, अगर क्लैश क्वाड भी होता है, अभी तक फॉर्मेट डिसाइड नहीं हुआ है वेदर इज गोइंग टू बी फुल मैप और CS, एंड इफ इट्स बीइंग एन अनलिमिटेड क्लैश क्वाड, नेपाल के टूबी गेमर अपनी पूरी NXT के साथ सामना करेंगे नन अदर देन Y444 का OP BNL के साथ। एंड दिस चैलेंज हैज बीन गिवन बाय White। नहीं, हम लोग कर लेंगे अभी, मतलब पहले से लाइक होते हैं ना, हम बहुत ही प्रिपेयर हो चुके हैं। बिल्कुल। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द गोरखा स्पिरिट। Y444 चैलेंज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय टू बी गेमर एंड नेपाल। मैंने पहले भी एक बार किया था, ठीक है, White 4 के साथ जी। एंड उधर मैंने 4 बार मारा था उसको, एंड उसने मुझे 7 बार मारा था। अभी तो हमने भी और इम्प्रूव कर लिया है गेम प्ले। Absolutely। हाँ, तो अभी हम लोग मतलब अपना टीम रेडी है, अभी खेलेंगे, हार जीत तो होगा पर हम शायद जीतने के लिए खेलेंगे फुल जी। बिल्कुल टूबी भाई, सो पहले तो गाइस मेजर अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूँ कि अगर इंडिया नेपाल का मीना सर्वर से वर्सेस होता है, इफ इट्स अ CS, तो जो चैलेंज दिया गया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। बड़ा मजेदार मुकाबला होगा, Y444 से मुकाबला होगा, क्योंकि अब कई लोग पूछेंगे Y444 के अगेंस्ट में टू भी भाई। तो मैं बता दूं, उन्होंने बोला है वी वांट टू प्ले ऑल PC वॉरफेयर, PC टू PC वो खेलना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को हरा दूं तो कोई ये बहाना कर दे कि हम PC पे था मोबाइल पे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, आपको PC का जवाब PC से ही मिलेगा। नेपाल से द चैंपियंस फ्रॉम नेपाल, टू बी गेमर की NXT स्पोर्ट्स द नेक्स्ट लेवल, कांग्रेचुलेशंस। लेट्स गेट बैक वंस अगेन विद द इंटरव्यू। चलिए ढेरों बधाइयां ड्रैगन रोहित टू भी भाई, और अब करते हैं कुछ अमेजिंग सवाल। एंड टीम का माहौल कैसा है अभी रोहित? अभी हमने देखा जिस तरीके से टीम ने जो है एकदम 6 मैचेस में लगा ही नहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन टूटी हो, या फिर ग्रेनेड कौन कुक करेगा, अगर स्नाइपर की जरूरत पड़ती है तो कौन रोल चेंज करेगा, कभी लगा नहीं देखकर। क्या टीम में कभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है अब, या फिर यू थिंक दिस इज अ टीम व्हिच वी कैन से वेल ऑयल मशीन? अभी तो फिलहाल नहीं हो रही, बस नया लाइनअप है तो ट्राई कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा जा रहा है। बहुत बढ़िया रोहित। एंड यहाँ पे अगर टूबी भाई वहाँ पे Y444 के अगेंस्ट में भी खेलते हैं, आपको भी मीना सर्वर के बाकी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, हो सकता है फुल मैप में आपकी और आपकी टीम का सामना होगा M10 से। कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे।
That's the Gorkha spirit. That's the Gorkha spirit. And Drago, you were fantastic with your close range battles. And any special practice or kisi ko credit dena chahoge jinke saath rehkar aapko match experience zyada mila? You used to play with RG Kark in previous days also, maine dekha hai. And there are so many different players jinke saath aap khel ke jo hai kaafi vast experience ab aapko mil chuka hai. Would you like to give credit to anyone or would you like to? Okay. ड्रागो यहाँ पे सबको क्रेडिट देना चाहते हैं, खुद पे नहीं रखेंगे, आरजी कार्की को दिया है क्रेडिट, अच्छी बात है. एंड आने वाले दिनों में कई चैंपियनशिप आ रहे हैं, आज एक और इतिहास जुड़ चुका है. फाइनली एफएफआईसी में नेपाली कास्टर का भी यहाँ पे आगमन हो चुका है. कांग्रेचुलेशन टू नेपाल फॉर दैट ऑल्सो. ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म भी नेपाल को मिल चुका है और अब नेपाली कास्टिंग भी मिल चुकी है. कांग्रेचुलेशन. और आज तो नेपाल के चैंपियन भी मिल चुका है टूबी भाई. लेकिन क्या व्हाइट ट्रिपल फोर को हराकर चैंपियन बन पाएगा नेपाल? हम लोग मतलब डरेंगे तो नहीं, और हमारा टीम भी अच्छा है. लाइक रोहित हो ना, रोहित अच्छा खेलता है एंड टूर्नामेंट भी बहुत ही अच्छा खेलता है. तो अभी मतलब इधर तो हमको लाइक सर्वर का वो क्या बोलते हैं उसका भी फायदा होता है, लाइक इशू का भी फायदा होता है जे. तो उसका फायदा लेके हम ठोक सकते हैं, मतलब डरेंगे नहीं क्योंकि अभी हम पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. एब्सोल्युटली. तो पीसी का भी टीम रेडी हो गया है. एंड इधर मोबाइल का देखा जाए तो रोहित, अभी रोहित ही लीड कर रहा है, झूठा बोलो तो. मैं अभी टूर्नामेंट नहीं देख रहा हूं, रोहित ही लाइक मैं बस उन लोग को टूर्नामेंट का लिंक देता हूं एंड खेलने के लिए चांस देता हूं. पर मेहनत जो है रोहित ये ड्रैगो कर रहा है. तो अभी तो हम पूरा रेडी है, मोबाइल में भी रेडी है एंड पीसी का तो हम लोग पहले से रेडी थे, बस खेलते नहीं थे टूर्नामेंट. तो अभी तो मतलब सब रेडी है, हम खेल लेंगे, कोई भी आ जाए हम लोग मतलब वर्सेस करने के लिए रेडी है. एक्चुअली टूबी भाई ये कई दिनों से चर्चा में था कि ओनली पीसी प्लेयर्स का कोई टूर्नामेंट क्यों नहीं आता, ताकि किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिले, इट्स मोबाइल वर्सेस पीसी एंड ऑल. तो इस बार मीना सर्वर ने सामने से चुनौती पेश करी है जहां पे ऑल पीसीज और वो भी टीम, आपको भी पता है टूबी भाई, आप पहले भी सामना कर चुके हैं उनका. ओपी बीएनएल साइप्लस वाइट ट्रिपल फोर, वन हैक ऑफ अ लाइनअप, मोरो ट्रिपल सेवन, अनबिलीवेबल. और ये मुकाबला करेंगे, भारत की ओर से भी एक ऑल स्टार्स लाइनअप जाएगी. वी आर ट्राई टू कम्युनिकेट विद द बेस्ट प्लेयर्स हु यूज्ड टू प्ले ऑन पीसी. ये एक पीसी ऑल पीसी टूर्नामेंट रहेगा क्योंकि एज यू नो मीना सर्वर में एमएटेन के अलावा ज्यादा ई स्पोर्ट्स में उतने बंदे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. तो दैट्स वाई जो है हमें वी शुड कंटिन्यू विद दैट. बट इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, वहां पे भी नेपाल को मौका मिलेगा. ड्रैगो आप भी खेलोगे उसमें, और पाकिस्तान की ओर से इस बार चैंपियन लाइनअप आ रहे हैं, उनकी टीजी आ रही है, हाउस ऑफ ब्लड आ रहे हैं. हमने देखा है किस तरीके से ट्राई सीरीज में उन्होंने परेशानी जो है डाली थी, ट्राई सीरीज में छोटी मोटी बहस भी थी क्योंकि नेपाल खेलने का मौका नहीं मिला. इस बार मेरा सवाल रहेगा कप्तान रोहित से, रोहित जो ट्राई सीरीज में नेपाल को चांस वहां पे नहीं मिला था, बट इस बार मौका है पाकिस्तान से दो दो हाथ करने का. अभी मजा आएगा ना भिड़ो, उनको चांस मिला तो रोहित ठोक देगा, नेक्स्ट वाले ठोक देंगे, नेपाली टीम ठोक देगा. बिल्कुल बिल्कुल. एंड गाइस Join Nepal, best of luck to Nepal, 2B Gamer and the whole of NXT is ready to bring that game to the next level. जैसा इनका गिल्ड का नाम है, टीम की तैयारी भी बिल्कुल उसी तरीके से जो है मसरूफ. और इसके साथ साथ आने वाले भारत नेपाल और पाकिस्तान का मुकाबला अब आने वाले समय में बिल्कुल करीब. उसके अलावा मीना सर्वर की चुनौती एक्सेप्ट कर ली गई है. आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू गो फॉर द मीना सर्वर वर्सेस इंडिया एंड नेपाल. Let's see कौन जीतेगा आज का दिन रहा नेपाल के नाम. This is yours truly Rocky भाई. Congratulations to NXT and 2B Gamer for the fantastic success. पहली टीम जो नेपाल से आज जीती है चैंपियनशिप, और आज मौका मिला है नेपाल को दो दो हाथ करने का. तैयार हो जाइए पाकिस्तान, और मीना आ रही है.